हेलो गाइस, हम है कॉमिक कजिन्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वेब्स क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और ये कैसे मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करेगा। तो चलिए और बिना इंतजार किए शुरू करते हैं। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीन कैंग के वेरिएंट होते हैं जो आपस में बात कर रहे हो। उनमें से सबसे पहले हमें इजिप्शियन टाइप का ड्रेस पहना हुआ कैंग दिखाया जाता है जो कि है रमाटूट। इस वेरिएंट से मार्वल कॉमिक में कैंग पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको हराने के लिए फैंटास्टिक फोर टाइम में पीछे गए थे, क्योंकि ये इजिप्ट में अपने टाइम से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आकर इजिप्ट का राजा बन गया था अपने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के सहारे। सेकेंड आता है स्कारलेट सेंचुरियन, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक कैंग वेरिएंट है और ये फ्यूचर में जाकर कैंग द कॉन्करर बनना चाहता था, मगर वो बन नहीं पाया क्योंकि वो एक टाइम स्टॉर्म में फंस जाने की वजह से मार्वल के मेन टाइमलाइन में आ जाता है और वहाँ पर डॉक्टर डूम से मिलकर उसे इंस्पायर्ड होता है और अपना स्कारलेट सेंचुरियन रूप ले लेता है। थर्ड है इमॉर्टल्स वेरिएंट, जो प्रैक्टिकली इमॉर्टल है और इसे कैंग का सबसे पावरफुल वेरिएंट माना जाता है मार्वल कॉमिक्स में। देन उसके बाद हमें पहली बार एमसीयू में काउंसिल ऑफ कैंग दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे कैंग्स टेलीपोर्ट हो रहे हैं एंड हजारों या लाखों कैंग्स ऑलरेडी एक स्टेडियम जैसे गैलरी में बैठे हुए हैं और पागलों की तरह चीयर कर रहे हैं। अब वो किस चीज़ के लिए चीयर कर रहे हैं वो तो नहीं पता, मगर ये जो शॉट है ये एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स में एक कॉमिक्स का पैनल या पेज है जिसको मार्वल ने एमसीयू में डिट्टो कॉपी पेस्ट किया है अपने कॉमिक्स से। सच कहूँ तो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इस मूवी में काउंसिल ऑफ कैंग्स का इंट्रोड्यूस होगा, मगर अचानक फिर से मार्वल ने हमें शॉक कर दिया। एंड इस सीन को देखकर लग रहा है कि ये जो जगह है वो हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में देखने को मिल सकता है। एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि जो तीन मेन कैंग के वेरियंट हैं उनको ही तीन मेन बॉस बनाया जाएगा इस मार्वल फेस के लिए। कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी प्रेडिक्शन लगाना बिल्कुल संभव नहीं है। एक आध तुक्के ज़रूर लग सकते हैं मगर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब एक स्पेकुलेशन और र्यूमर तो है ही कि फैंटास्टिक फोर मूवी में हमारे फैंटास्टिक फोर पास्ट में या किसी टाइम क्वांटम रेल में ही फंसे हुए होंगे या फंस जाएंगे। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि कॉमिक्स में जैसा दिखाया गया था वैसा ही यहाँ पर अगर मार्वल दिखा दे तो मज़ा ज़रूर आएगा। एंड इसे मार्वल कॉमिक्स में कैंग, फैंटास्टिक फोर और स्टैनली सर को एक ट्रिब्यूट एंड ऑनर भी मिल जाएगा। स्कारलेट सेंचुरियन एंड इमॉर्टल्स इन दोनों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अब यही मेन बात है। आई रियली होप मार्वल इसे अच्छे से पुल ऑफ कर पाएंगे। अब आते हैं एंड क्रेडिट्स पर। तो एंड क्रेडिट में हमें लोकी सीजन 2 का एक टीजर टाइप दिखाया जाता है, जहां 1900s में कैंग का एक और वेरिएंट जिसका नाम होता है विक्टर टाइमली एंड लोकी और मोबियस एमोबियस उस टाइम में जाते हैं एंड वहां पर मोबियस लोकी से कहता है कि यह तो उतना इविल या खतरनाक नहीं लग रहा है, मगर यहां पर लोकी कहता है कि इसके सारे वेरिएंट्स ही खतरनाक। अब विक्टर टाइमली कॉमिक्स में कैंग का एक वेरिएंट होता है जो पास्ट के 1900 में जाकर टोनी स्टार की तरह एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर बन जाता है जो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में माहिर है। लोकी सीजन 2 को लेकर एक स्पेकुलेशन है कि उस शो में हमें कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल कैंग से जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सबको एक एक करके या थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही वेब सीरीज और मूवी में हम लोगों को दिखाते जाएंगे, क्योंकि जैसा थैनोस के साथ हुआ था वैसा ही कैंग के साथ भी होगा। मतलब इस फेस के एंड तक कैंग भी मर जाएगा एंड उसके साथ उसके वेरिएंट्स भी। देन इसके बाद सीक्रेट वॉर्स होगा या फिर सीक्रेट वॉर्स में ही कैंग कैरेक्टर को एंड कर दिया जाएगा। अब असलियत में क्या होने वाला है वो तो वक्त आने पर ही पता चले। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए हम लोगों के साथ बने रहिए। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।